आप सबको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। माँ, सवाल जवाब बाद में करेंगे ना, प्लीज। बस तेरा मन होगा जब तू अपनी माँ के मन के साथ धोखा कर सकता है। माँ, मैंने आपको कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, उसके कान दिमाग सब बूढ़े हो गए हैं? मुझे बेवकूफ समझती हूँ बेटा? माँ, माँ मैं आपको कभी बेवकूफ बना सकता हूँ? बंद कर समय, बस कर ड्रामा, बस कर समय। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग जो कथा सुना रहे थे ना, वो सारी कथा हमने सुनी है। भाभी, भाभी आप जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं समझा था कि आप अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए हमारे बेटे का इस्तेमाल करेंगे। अरे नहीं नहीं भाभी। शुक्ला जी, आप जानते हैं ना, ये आपको छोटे पापा बुलाता है, दर्जे में ही आपको बाप से भी बढ़कर मानता है। पर आप तो अपने बेटे से बढ़कर दर्जा देना तो बहुत दूर की बात है, आप तो इसे बेटे जैसा भी नहीं समझा, बल्कि इसकी आपके प्रति जो समर्पण और प्यार की जो भावना है उसका फायदा उठाया। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं ना छोटे पापा मेरे लिए क्या है। भगवान है, भगवान है तुम्हारे लिए, पर ये तुम्हें अपना भक्त नहीं मानते, क्योंकि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं करते। कोई अन्याय नहीं किया है किसी ने मेरे साथ। आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस कर, बस कर समय, और सुन, विश्वास करना ठीक है पर अंधविश्वास करना बेवकूफी होती है, और हम ना तुझे बेवकूफ बनते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए हम ये मनुष्य घर छोड़कर चले जाएंगे। अम्मा, हम आज ही बैंगलोर जा रहे हैं। नहीं,
कृष्णा जी रुक जाइए, कृष्णा जी उतर जाइए ना आप यहाँ से। देखिए मुझको ऐसे ज्यादा मत कीजिए। नहीं बिंदिया, आपने जो पाप किया है ना उसके लिए ये सजा बहुत छोटी है। कृष्णा जी आप जल्दी से उतर जाइए, हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे बात करनी है कृष्णा जी। हम जानते हैं बिंदिया तुम हमें कभी माफ नहीं कर पाओगी, इसलिए हम इस जलते अग्नि पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते। कृष्णा जी आपका पाँव जल रहा है, कृष्णा जी उतर जाइए ना। नहीं रुक जाइए कृष्णा जी, कृष्णा जी हम आपको इससे जलते हुए नहीं देख सकते, ना तो पश्चाताप की अग्नि में और ना ही इस अग्नि में, आप चलिए यहाँ से। नहीं बिंदिया, हमारा प्रायश्चित हमें करने दो, तुम जाओ यहाँ से। कृष्णा जी जिद मत कीजिए प्लीज, चलिए ना यहाँ से। फिल्म हम देखते और विलनगिरी के डायलॉग हमारी दोनों बहुएं मारती रहती है। ओ गॉड, हमने तो बस अपने विचार रखे थे और आप सब लोग कहां की बात कहां लेके जा रहे हो। विक्रम बेटा, तुम अपने विचार रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, पर पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, तुम तो पहले नतीजे पहुंचने की बात करते हो। अरे पापा, नतीजा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, ये घाटे का सौदा नहीं है। अरे विक्रम भैया, ऐसा नहीं, जूट की खेती भी हमरे जमीन में ही होती है, इसलिए हमरा पैसा बहुत बचेगा। और दूसरी बात, जूट से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात अलग है कि शुरुआत में इससे मुनाफे का दर थोड़ा कम रहेगा, पर बाद में इससे बहुत मुनाफा मिलने वाला है। कहे कि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल चीजों को ही खरीदना पसंद करते हैं। विक्रम, जाके ना पहले अपनी जीके ठीक करो, बाद में ही बिजनेस का ज्ञान देना। तुमसे ज्यादा नॉलेज ना इसका वार कोई, जब देखो हमारी नाक कटाते रहते हैं। तुम एक काम करो ना, अपनी नाक को काटकर लॉकर में रख दो। बिटिया, तुम्हें मार्केट के बारे में कितनी जानकारी है, और एक बात, कितनी ऊंची सोच है तुम्हारी। आखिर सोच क्या रही है बिंदिया? अब तो बिंदिया ने हमें माफ भी कर दिया, उसके बाद भी बिंदिया का ही ख्याल क्यों आता रहता है हमें? किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, अभी भी मन बेचैन सा है। और पायल के साथ तो हमें खुश होना चाहिए ना, लेकिन पायल के साथ भी खुशी नहीं मिल पा रही है। क्या हो रहा है? हाँ, हमें बिंदिया को बताना होगा कि उस रात हमने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। हम नशे में जरूर थे, लेकिन हमारी एक एक बात में सच्चाई थी।